हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं द जेपी यादव शो, देसी भोजपुरिया ब्यास। अच्छा, देसी भोजपुरिया ब्यास, जेपी यादव शो, द जेपी यादव शो। ओके, तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं। और देसी भोजपुरिया ब्यास, ये ब्यास शब्द मैंने भोजपुरी सॉन्ग्स में भी काफ़ी बार सुना है। मतलब क्यों ये कहा जाता है मुझे पता आज तक नहीं है, बस सुना बहुत बार है ये व्यास शब्द। ठीक है, तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ क्यों ये शब्द यूज़ किया जाता है। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और व्यास जी मतलब वेद व्यास वाला व्यास तो है नहीं, है ना? मतलब तो देखते हैं भाई कौन सा वाला व्यास है। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं संध्या सिंह। तो आज हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी के स्टार गायक जितेंद्र दीवाना जी, जिनके गाने लगातार हिट हुए जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इनसे एक गाना। तो जितेंद्र दीवाना जी, आप एक गाना सुनाइए। अच्छा, तो गाना सुनाइए जी। सुनिए, वे तुरा माई किरे तुरा बहन के। अच्छा छोड़िए वो सब, आपको संगीत के बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं? कौन सी? संगीत के बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं? संगीत संगीत का साहब भी नहीं पता। कोई लोग संगीत के बारे में तो नहीं पूछा था हमारा से। ओकर नाम मतलब हमारा सामने, ओकर नाम मतलब बाप रे बाप, बड़ी खेलल गई यही आओ। जब वो हमारा ऐसा आदमी के खिला दिलक, तबे हम समझ गए कि उस साधारण खिलाड़ी नहीं खेल। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे बिल्कुल सही बोलता नहीं, बिल्कुल सही बोलता। संगीत म्यूजिक के बारे में पूछा है। परम कबू, हम तो उकड़े के गोरियावे खाती गायक बनन। उकड़े के गोरियावे खाती एगो बहुत सुंदर गीत गईनी अपना फुआ के लड़का से लिखवा के। क्या आपके फुआ के लड़का गीत लिखते हैं? ना, वो तो ऐसे मुरघटिया में दारू बेचेले, लेकिन कबो कबो ढेर पी ले वाला तो निशा में गीतो लिख देवेले। हाँ, तो उनकरे से गीत लिखवा के ओकरा खाती एगो बहुत सुंदर गीत गईनी कि संगीतवा मर जाई ओकरा पिलुआ पड़ जाई। भाई ये कैसा गीत है एकदम, माने मार्केट में हमार नाम हो गए। क्या इस गाने को गाकर आप हिट हो गए? जी हाँ, बड़ी नाम भइल हमार, माने लोग हमरा से इतना प्यार करी, इतना प्यार करी कि हमार नाम सुनते एकदम गड़ी आवे लगे प्यार से। आ कुछ लोग तो हमारे ऐसा खतरनाक फैन हो गए रहे कि अगर हमारे के सामने देख ले तो एकदम तुरंत डायरेक्ट जूता निकाल के मुंह पर मार। हाँ, जूता निकाल के ही ना कि चप्पल निकाल के, जूता निकाल के मारी। वाह, बड़ी इज्जत वाला काम है। छोट मोट आदमी ना नहीं ना, तो हमारा जोड़ी के ढेर भोजपुरी में गाय के बोलो कि चप्पल से पिटल। हाँ, एगो हम ही बने सिंगल पीस कि जूता से पिटानी। अरे तो कुछ नहीं खे, जाना घड़ी हम हिट भर रही वो घड़ी हमारा मुंह पर लोग इतना जूता मरले रहे, इतना जूता मरले रहे कि यही हमारे जन मुंह लौकता एकदम जूता लेखा हो गए। ऑर्डिनरी कंपनी ना बाटा के जूता लेखा। वही घड़ी से जोन हमार नाम जे बा जितेंद्र से जुतेंद्र हो। जितेंद्र से जुतेंद्र। हाँ, तो बड़ी नाम कोई नहीं हो। अच्छा, तो जितेंद्र जी आप ये बताइए, आपने गाना किन से सीखा, आपके गुरु कौन है? अच्छा, गुरु हमार गुरु कोनो साधारण आदमी ना रहस, बड़ी भारी गायक रहस, बड़ी भिखारी ठाकुर के नाम सुनत नहीं? क्या भिखारी ठाकुर? आप भिखारी ठाकुर के चेले हैं? ना, उनके बटैया खेत बोत रहे मुरारी ठाकुर।
उनकर चेला है। भाई क्या मुरारी ठाकुर ओ का कह देलू फट से तू उनका के साधारण ब्याज समझता रू का छोट मोट टूट पुजिया गाय टूट पुजिया गाय के मत समझियो गाय को के लिए ब्याज यूज किया जाता है बहुत भारी महान ब्याज रहो तारा पता बा ऊ अंतिम सांस तक गौले हुआ अपना अंतिम सांस तक आ गाते गाते स्टेज पर मर गईले स्टेज पे वो कैसे ऊ बात भी रहे कि ऊ मतलब बहुत भारी ब्यास रहस महान ब्यास रहस तो उनका नाव रहे एकदम माने जहां जास हुई जो लोग टूट के पड़ जाए एकदम टूट के पड़ तोड़ के भल की एक दिन पढ़ाई प्रोग्राम दियर में बड़ी भारी प्रोग्राम जकल रहे लोग एकदम छिल बिल हो गए रहे साफ माने उनका नाम सुन के पहुंचल रहे लोग बहुत भारी तो का भल के हमार गुरुजी स्टेज पर चढ़ले धोती कुर्ता पहन के माइक लेके जैसे गावे के शुरू कइले माने बुझ जाई कि लोग एकदम हाथों हाथ उठा ले लो आ गुरुजी एकदम हमार गावे लगले आ लोग उनका के मारे ला मारे ला ओए भइए एकदम माने गुरुजी हमार गावत रहे लोग मारत रहे साफ माने प्रोग्राम जकल रहे ना गुरुजी हमार गावल बंद करो सन लोग मारल बंद करे हम देख के तब मैंने कहनी बाह का गुरुजी नाम कोई ले बनी आ का गावा तने कि लोग एकदम मारे लागल कि भाई चुप हो खो लेकिन हमार गुरुजी एकदम पक्का ब्यास रहे महान ब्यास कितनों लोग मारे लेकिन ऊ गावा बंद नहीं कोई ले ओ भाई तो ले को दिया रहा वही रूठा लाइक एकदम पहलक पगड़ी मुरैठा आ जाके सीधा मुहे में भाला मार दलक इतना बुरा गाते थे तो अब जाके हमार गुरु जी के गावल बंद भयल वही जब मुंह बाके मर गए गावते गाव अरे वो कैसे गाते थे कि लोग उनके मुंह में भाला मार के मुआ दिए का कैसन गावत रहे बड़ी सुंदर गावत रहे बहुत बढ़िया गावत रहे छोट मोट लोग उनका भेलू का समझे उनका भेलू बड़ा बड़का लोग देवे बड़का बड़का लोग लालू जादव का नाम सुन ले बनी क्या लालू यादव उनके फैन थे जी ना लालू यादव का खास पटीदार रहस चालू यादव चालू यादव हाँ चालू यादव धागा मिल में काम करत रहस ओ भाई जाए कि एक दिन हमारा गुरुजी के गावत में सुन ले अब तो उनका तारवा के नीचे से जमीने खिसी साफ बोखला गई बिल्कुल बौखला जाएंगे ऐसा गाना सुनेगा तो क्या गाना सुनने के लिए ना हमरो गुरु जी ये समझ ले रहे हैं कि गवावे खाती बुलावत रहे लेकिन ऊ तो मुंह सीए खाती बुलावत रहे जैसे हमार गुरु जी पहुंचले आ ऊ मर्दवा जब धागा मिलके सुई धागा लेके रगे दलक हो तले त हमरा गुरु जी के भागत भागत धोतिए खराब हो ओ भाई हां जब पकड़ाए पहले तले धोतिए में मार दे तले सब जना नाक दाब के भाग गइल बड़ी टैलेंटेड आदमी नु रह सीता में टैलेंट कूट कूट के भर महान तो चलिए अब बात को यहीं पे खत्म करते हैं तो अंत में आप नए सिंगरों को क्या संदेश देना चाहते हैं संदेश हम तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना लोग सिंगर बने के चाहता तो ओकरा के ये संदेश दे कि देखा भाई लोग अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में हिट होके के बाद तो सबसे पहले तो तुम लोग का अंदर टैलेंट होके के चाहिए गाड़ी टैलेंट गाड़ी दे एकदम काटल काटल गड़ियावे आवे के चाहिए अगर तुम लोग का गड़ियावे नहीं खे आवत गाली नहीं खो सीख ले लोगन शरीफ खानदान में जन्म हो गई बात तो हमार गाना सुन के गाड़ी सीख लो फ्री में उपलब्ध बा दारू टाइमली पिए लगन एकदम रोज नियम से दवाई लिखा एकदम रोज दारू पिए लगन आ गुटका तो जरूरी बा तो बस यही मेहनत करो लगन बहुत जल्दी अगर सही दिशा में काम हो तो बहुत जल्दी बर्बाद हो जीबो लगन हमरे लेखा तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, तो अगर वीडियो अच्छा लागल होके तो एकरा के लाइक कर दियो लोगन, टिप के एकदम, आ ओकरा बाद सब्सक्राइबो कर दियो लोगन। बड़ा मेहनत लगा था वीडियो बनावे में, आ चाहत तारो लोगन कि तनी ज्यादा मात्रा में वीडियो आवे तो शेयर करो लोगन एकदम धक्का धक, चारों ओर सब कोई के दिखा दो लोगन, तो तनी हमनियो के मन लागी बनावे में वीडियो। तो और तनी मेहनत करे वाला बड़ी से तो फटाफट सब्सक्राइब द जेपी यादव शो और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड देखो, यहाँ पे जेपी यादव ने बहुत ही खूबसूरती से जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लील गाना या वल्गर गाना और इस टाइप के मतलब ऐसे गाने जिन्हें क्रेजी भैया रोस्ट करते हैं, ठीक है, वैसे गाने गाते हैं, उन सिंगर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से जेपी यादव ने मतलब फ्रेम किया यहाँ पे, ठीक है। और ये दिखाया कि भैया देखो, तुम्हें गाना गाने के लिए उन्हें संगीत का सा भी नहीं आता है, ठीक है, गाना होता क्या है वो भी नहीं आता है, और उसको गाना बस ऑटो ट्यून लगाओ, ढिचिक ढिचिक म्यूजिक लगा दो और वर्डिंग्स भी तुम्हारी अश्लील होनी चाहिए, बस फेमस हो गए। बता तो रहे 20 मिलियन व्यूज थे उस पे। सो यार, भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाने का काम उसकी ऑडियंस ही कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर ऑडियंस ऐसे गाने अगर सुनना बंद कर देंगी तो बनने बंद हो जाएंगे, है ना। सो यार, आई होप आप लोगों को भी ये मैसेज अच्छा लगा होगा, और अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।